तो सभी को तो पता है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का जो फ़ोन है वो हाल ही में इंडिया पे लॉन्च हो चुका है और उसके साथ दो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो फ़ोन है रियलमी के 6 प्रो और पोको के X2, ये तीन फ़ोनों में हम करने वाले इस वीडियो में कंपैरिजन और देखने वाले कि ये तीनों फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशन में कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोडिन, आप देख रहे सोडिन मित्र सब्जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीन फोन के कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम इन तीनों फोन के प्राइस को कंपैरिजन कर लेते हैं। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के फोन का जो प्राइस है वो है 16,999 रुपीज़, रियलमी 6 प्रो का प्राइस है 17,999 रुपीज़ और पोको X2 का जो प्राइस है वो है 17,499 रुपीज़। हम कंपेयर करते हैं इसके रैम्स के ऊपर, तो पहले जो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का जो रैम है वो है 6 GB और इसका जो इंटरनल स्टोरेज का जो वेरियंट है 128 GB और रियलमी 6 प्रो का जो रैम है वो है 6 GB और इसका जो इंटरनल स्टोरेज का जो वेरियंट है वो 64 GB और पोको X2 का जो वेरिएंट है उसका जो रैम है 6 GB और इंटरनल स्टोरेज का जो वेरिएंट है वो है 64 GB। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रैम और इंटरनल स्टोरेज के मुकाबले, रैम तो तीनों में सेम है और इंटरनल स्टोरेज के मुकाबले मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस पहले ही जीत चुका है। दूसरा, इसका टेस्ट करते हैं रोम के ऊपर, इसका रोम कि इसमें कौन सा रोम यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा रोम मतलब इसमें कौन सा स्टॉक का फर्मवेयर यूज़ किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ किया जा रहा है। जैसे मोटोरोला यूज़ कर रहा है क्लोज टू स्टॉक जो एंड्रॉयड का एक UI है वो इसमें यूज़ किया जा रहा है, मतलब ये आपको लगभग आपको जो स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फील आपको देगा। और रियलमी यूज़ कर रहा है रियलमी UI और पोको यूज़ कर रहा है MIUI 11। हम बात करते हैं, फिर से हम कंपेरिजन करते हैं हम एंड्रॉयड वर्सन के ऊपर, तो तीनों में आपको एंड्रॉयड 10 का आपको फीचर आपको देखने को मिलेगा, तीनों में आपको लेटेस्ट जनरेशन के एंड्रॉयड 10 आपको देखने को मिलेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट बैटरी से, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको दिया जा रहा है 5000 mAh का बैटरी। ठीक है, तो 5000 mAh का बैटरी आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में दिया जा रहा है, रियलमी 6 प्रो में दिया जा रहा है 4300 mAh का बैटरी और पोको X2 में दिया जा रहा है 4500 mAh का बैटरी। तो बैटरी के मुकाबले भी मोटोरोला जीत चुका है, मोटोरोला का बैटरी है 5000 mAh का बैटरी, इधर भी मोटोरोला जीत चुका है। फिर हम बात करते हैं चार्जिंग स्पीड के ऊपर, तो चार्जिंग की स्पीड मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस दे रहा है 18 W का फास्ट चार्जिंग, रियलमी 6 प्रो दे रहा है 30 W का फास्ट चार्जिंग और पोको X2 दे रहा है 27 W का फास्ट चार्जिंग। तो इधर जो जीता है वो है रियलमी, रियलमी दे रहा है 30 W का फास्ट चार्जिंग। ठीक है, चलिए हम कंपेयर करते हैं फ्रंट कैमरे के ऊपर, तो हमको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस दे रहा है 16 MP का पॉपअप कैमरा और रियलमी 6 प्रो दे रहा है 16+8 MP का इन डिस्प्ले कैमरा और पोको X2 हमको दे रहा है 20+2 MP का इन डिस्प्ले कैमरा। तो मुझे इधर लगता है पोको बाकी सब दोनों जो मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा सा कम हमको फ्रंट कैमरा दे रहा है, बट ये हमको पॉपअप कैमरा का फीचर हमको दे रहा है। तो हम अब कंपेयर करते हैं बैक कैमरा के बारे में, तो हम देखते हैं मोटोरोला इन चारों फोन्स में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेंगे और चलिए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं देखते हैं। मोटोरोला हमको दे रहा है 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का वाइड कैमरा और 5 MP का आपको मैक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। रियलमी 6 प्रो हमको दे रहा है 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 12 MP का आपको टेलीफोटो कैमरा, 8 MP का वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा। चलिए हम देखते हैं पोको X2 हमको क्या दे रहा है, पोको X2 हमको दे रहा है 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ कैमरा। तो इस तीनों मॉडल्स में आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा हमको देखने को मिलेगा और ये तीनों फ़ोन में आपको 8 MP का वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, तीनों फ़ोन में आपको 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब दोनों फ़ोन में 2 MP का डेप्थ कैमरा है और जो रियलमी 6 प्रो में डेप्थ कैमरा नहीं है उस उधर 12 MP का टेलीफोटो दिया गया है। तो आप कंपैरिजन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम प्रोसेसर के ऊपर, तो कौन कौन से मॉडल हमको क्या प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस हमको प्रोवाइड कर रहा है स्नैपड्रैगन 730G और रियलमी 6 प्रो हमको प्रोवाइड कर रहा है स्नैपड्रैगन 720G और पोको X2 प्रोवाइड कर रहा है 730G। तो मुझे लगता है प्राइस के मुकाबले इधर भी मोटोरोला जीत चुका है, क्योंकि बाकी सब के प्राइस के मुकाबले इधर मोटोरोला दे रहा है 730G का प्रोसेसर। ठीक है,
चलिए हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तीनों में आपको दिया जा रहा है फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले। तीनों में LCD है, तीनों में फुल HD प्लस आपको दिया जा रहा है। साइज की बात करते हैं तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको दे रहा है 6.5 इंच का डिस्प्ले, और रियलमी 6 प्रो दे रहा है 6.6 इंच का डिस्प्ले, और पोको दे रहा है 6.67 इंच का डिस्प्ले। तो थोड़ा सा डिस्प्ले में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, 0.1 के आपके फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। आप सभी तो आप कंपेरिजन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बात करते हैं डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के ऊपर, ये हमका लास्ट कंपेरिजन है। तो आपको उधर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आपको दे रहा है 60 हर्ज का जो रिफ्रेश रेट, और रियलमी आपको दे रहा है 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट, और पोको X2 दे रहा है 120 हर्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मुझे प्राइस के मुकाबले मुझे लगा मोटोरोला ने बहुत ही ज़्यादा बजट फ़ोन निकाला है, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ जो रियलमी 6 प्रो और पोको X2 फ़ोन को टक्कर ले सकता है ये फ़ोन। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसे और भी टेक वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल करके रखिए। नोटिफिकेशन बिल को ऑल करने से क्या होगा कि हमारे चैनल के टेक अपडेट सबसे पहले आपके पास मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।